होता। हमारे पड़ोसी हैं मनीष उपाध्याय, आशा उपाध्याय और मुकेश उपाध्याय। ये एक बचत योजना के तहत मासिक बचत योजना चलाते थे, जिसके तहत 300 मेंबर्स का इन्होंने 1000 रुपये मंथली के हिसाब से जमा किया था और तकरीबन 75 लाख रुपए ये लोग लेके भागे हैं। और करीब 300 मेंबर के 1000 रुपये के हिसाब से अभी 2 साल हो गए इस बचत योजना को चलाते हुए, और 2 साल में करीबन पर मेंबर का 24,000 रुपये के हिसाब से जमा होता है। ये सब वो मेंबर है जिन लोगों का बचत योजना में पैसा था, और करीबन और कई लोगों को इन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया, सबका पैसा अपने पास जमा करते गए। और ग्रुप और इसकी वाइफ है आशा उपाध्याय, जो भी ग्रुप लोन चलाती थी, और ग्रुप लोन के तहत गरीब लोगों को जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके इन लोगों से पैसा इकट्ठा करके और मतलब बैंक के थ्रू लोन करवाती थी, और जिनको इनको लोन पूरा नहीं देती थी, आधा पैसा खुद रखते थे, और इन लोगों का पैन कार्ड वो एटीएम कार्ड और पिन नंबर खुद जनरेट करके आधा पैसा खुद निकाल के यूज़ करते थे, और इनको बोलते थे कि भैया आपके इतना ही पैसा बैंक ने मतलब फाइनेंस किया आप लोगों को। और इस तरीके से इन लोगों के साथ धोखाधड़ी करिए, और अब 16 तारीख के बाद से इनके घर पे ताले लगे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। मनीष उपाध्याय, मुकेश उपाध्याय, आशा उपाध्याय, तीनों के किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है। और हम लोग तो ऐसे पड़ोसी लोग हैं जो इनके बिल्कुल नज़दीकी थे और हमारे साथ इस तरीके से धोखा करके गए। क्या मानते हैं कि किस तरीके से पैसा लेते थे लोगों से? और ये लोगों से पैसा लेते थे, ब्याज के कई पैसा लेते थे बचत योजना के तहत, और उनको भाई 3 साल बाद इन्होंने एक हर महीने टोकन की व्यवस्था कर रखी थी कि हर महीने एक टोकन खुलेगा, और जिसके अगर टोकन खुल गया तो उसको उसका पैसा पूरा मिल जाएगा, उसको आगे की पैसा नहीं जमा कराना। कितना पैसा लगभग टोटल मिला, कितना पैसा है? तकरीबन 300 मेंबर का 75 लाख रुपए जमा हो चुका है अभी तक। आज हम SP ऑफिस से SP साहब से मिलने के लिए आए हैं, और हम ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरीके की अगर धोखाधड़ी अगर भविष्य में और भी लोग करने की सोचेंगे, अगर इस तरीके से अगर इन लोगों पे कोई कार्यवाही नहीं हुई तो। नाम डायरी का है, वो डायरी जब थे उनके पास। नाम बता दो। नाम अजीत गुप्ता। मनीष उपाध्याय, ये महिला ग्रुप लोन चलाते थे, इसके अंदर इन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया, और मेरे अलावा और भी जो मेंबर थे उनके साथ भी, सबके ATM और पासबुक वगैरह ये खुद जनरेट करते थे और खुद ही के पास रखते थे, और लोन कार्ड वगैरह भी खुद ही के पास रखते थे, और इन्होंने ना आधा पैसा देते थे। मेरा खुद का उज्जीवन का जो लोन हुआ था 26,000 का हुआ था, जिसमें से आधा पैसा इन्होंने दिया और आधा खुद रख लिया। अब ऐसा बहुत जनों के साथ हुआ है, और अब वो पैसा हमें भरना पड़ रहा है। बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? और बैंक वाले हमें बोलते हैं, बोले आपके नाम से लोन है, आपको भरना पड़ेगा। तो आप गए थे उसके क्या कंडीशन पाई आपके पास गए हम गए थे सर, उनके यहाँ ताले लगे हुए हैं। वो 17 तारीख को मेरी खुद की किस्त थी, मैं खुद गया था, ताले लगे हुए, उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा उनसे। क्या लगता है बात? और वो फरार हैं, मनीष उपाध्याय, आशा उपाध्याय और मुकेश उपाध्याय, तीनों फरार हैं। घनश्याम वर्मा। अरे 2 साल पहले हमने उसको पैसे दिए थे, उसके बदले हमको चेक दिए, जो वो हमको आज तक पैसे नहीं मिले, और वो कहते रहे आज 10 तारीख को आना, 15 तारीख को आना, इस और 20 तारीख बताई थी, जो 17 तारीख को ही वो फरार हो गए। किसको दिया था पैसा आपने? मनीष उपाध्याय को। किस तरीके से जमा कराते थे आप? जमा नहीं कराते थे, हमने तो चेक दिए थे उनको। हाँ, उसके वजह में। हाँ, उसके वजह में। नाम बताओ। सुधा देवी गुप्ता।